लोग सभी लोग से पूछ ही सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही बढ़िया है। सो व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के ऑलमोस्ट लाइक 5:30 बजे और फाइनली हम लोग आज जा रहे हैं एलिफेंट सफारी में। लोग सोच ही रहे होंगे लाइक 5:30 बजे मैं इतना जल्दी क्यों निकल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे नॉर्मली लास्ट एलिफेंट जो सफारी होता है वो लाइक 7 से 8 तक ही होता है। एलिफेंट सफारी ऑलमोस्ट 1 घंटे तक होता है। अभी यहाँ से हम लोग को एक छोटा सा जीप पिकअप करके हम लोग को लेके जाएगा एलिफेंट सफारी का स्पॉट तक, ऑलमोस्ट लाइक 15 किलोमीटर डिस्टेंस में है, वहाँ तक लेके जाएगी। फिर वहाँ से और एलिफेंट सफारी का ऑलमोस्ट हम लोग को 4,000 रुपये पड़ा है फॉर 3 पर्सन, तो 1300 प्लस कुछ पड़ा है। फिलहाल चलते मेन स्पॉट तक और देखते हैं हाउ द ट्रिप गोस। फाइनली हम लोग मेन गेट के अंदर आ चुके हैं, तो हम लोग अभी टिकट काउंटर की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली ये एंट्री पास है। तो अगर आप वो लेफ्ट साइड में देखें तो वैसे ही आपके एक एलिफेंट में चढ़ के हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग को पहला स्लॉट मिला नहीं है, हम लोग को बेसिकली सेकंड स्लॉट मिला है, तो इसीलिए थोड़ा चाय पीने जा रहे हैं और थोड़ा बॉडी भी गर्म करना पड़ेगा। तो काजीरंगा वेस्टर्न जोन में मैं आपको एक सबसे बड़ा गलत फहमी है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पे लाइक नॉर्मली 1 या 2 दिन पहले बुकिंग करना पड़ता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सबसे बड़ा झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने जो एलिफेंट सफारी बुक किया है वो रात को ऑलमोस्ट 11 बजे बुक किया है, तो आराम से मिल जाता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। दूसरा चीज़, यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होता है, तो ऑनलाइन बुकिंग से बचिए। यहाँ पे थोड़ा एक स्कैम टाइप का भी रहता है, तो वो उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। ऑनलाइन से बुकिंग करेंगे तो उसका कंफर्मेशन मिलने का ऐसा कुछ है नहीं। तो बेसिकली आप आइए, आपके होटल ओनर से ही आप बात कीजिए, तो वही आपका एलिफेंट या फिर जीप सफारी का बुकिंग हो जाता है। तो काजीरंगा में बहुत सारे जोन है, तो आपको अगर एलिफेंट का सफारी करना है तो आपको वेस्टर्न जोन में आना पड़ेगा। इस जगह का नाम है बोगोरा, और हम लोग बेसिकली हमारा जहाँ पे होटल है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था पिछले वीडियो में, हम लोग रह रहे कोहरा। तो कोहरा से बोगोरा आपको आना पड़ेगा कोई भी प्राइवेट कार बुक करके, नॉर्मली होटल ओनर ही कर देंगे। फिर वहाँ से बोगोरा से यहाँ से एलिफेंट राइड हो सकता है, वो स्लॉट बाई स्लॉट रहता है, तो 7 to 8 वो लास्ट स्लॉट है एलिफेंट सफारी का, तो उसके बेसिस पे आप आपके होटल ओनर से ही बात कीजिए, तो वो बुकिंग हो सकता है। आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है का स्टार्ट होने वाला है। सारे एलिफेंट्स रिटर्न कर रहे हैं स्लॉट 1 से। फाइनली एलिफेंट राइड स्टार्ट हो चुका है और दीप कमल इधर पे है। हेलो, कुछ अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस इधर पे। व्यू तो क्या बताऊँ, आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया है व्यू इधर पे। तो कल जो हम लोग जीप राइड से आए थे वहाँ से इतना क्लोजअप का राइनो शायद ही दिख रहा था, लेकिन आप थोड़ा क्लोजअप से देख सकते हैं। तो अभी बेसिकली थोड़ा वेट बैलेंस का इशू हो गया था 2 एलिफेंट के बीच में, तो हमारे भैया पूरे हीरो हैं जो एकदम बैलेंस का वेट किए हैं। तो चलिए सफर में आगे चलते हैं। नॉर्मली यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए लोग रहते हैं, अगर कुछ दिक्कत हो गया तो फिर इमीडिएटली वो लोग बैकअप के लिए आ सके। यहाँ बेसिकली हाथी और राइनो दोनों का ही डंग है। उधर एक राइनो, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बट वहाँ एक राइनो दूध पी रहा है उसकी माँ का। जूम करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा ब्लर आ जा रहा है बट, लेकिन वहाँ पे देख सकते हैं आप एक राइनो, छोटा सा राइनो। हम लोग ऑलमोस्ट उस साइड से पूरा घूम के आए हैं और जाके सामने से वहाँ से घूम के वापस टर्निंग में जाना पड़ेगा। आप लोग सभी लोग से पूछ ही सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है, और मार्च में छोड़िए आप लोग जनवरी में ही आइए, द बेस्ट टाइम टू विजिट। यहाँ पे एलिफेंट सफारी का तो मज़ा आ गया, भैया ने पूरा अच्छे से हम लोग को बताया कि कैसे क्या रहते, एकदम क्लोजअप शॉट भी हम लोग ने लिया, वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। बस एक ही चीज़ का कमी लगा, यहाँ पे अगर राइनो का राइड भी हो जाता तो मज़ा ही आ जाता वो तो चलो नहीं हो सकता, लेकिन मज़ा आ गया यहाँ पे पूरा।
इतना ब्यूटीफुल है, बोल ही नहीं सकते। आप लोगों को वीडियो में दिख ही रहा होगा, एक बफेलो है हमारी तरफ ही देख रहा है, क्या पता दौड़ के आ जाए और हम लोग वायरल हो जाए वीडियो में, बट ऐसा उम्मीद नहीं करते, नहीं आएगा। इसको गलती से भी अपना खुद का भैंस मत समझ लेना। ऐसे हमारी तरफ देख रहे हैं कि सुबह का ब्रेकफास्ट हम ही है। कितने एलिफेंट होगा टोटल? यहाँ तो अभी 42 है। 42 मतलब डोमेस्टिक। भैया हम लोग ने देखा है कि बहुत सारे गांव भी है, हाँ। तो मतलब लोकल लोग आ सकते हैं क्या? ऐसे नहीं आ सकते। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, देख दो राइनो वहाँ, और दो राइनो है, दो नहीं सॉरी, यहाँ पे टोटल 4 राइनो अवेलेबल है, 1 2 3 4। हम लोग पहुंचने वाले हैं और सामने ही है, वहीं से हम लोग बोर्डिंग किए थे और उधर भी हम लोग ऑफ बोर्डिंग हो जाएंगे। तो लेकिन आप लोग मेरे को अगर ट्रिप के बारे में पूछे, हम लोग को भाई बहुत मज़ा आया यहाँ करने में, 10 out of 10। आप लोग को ज़रूर आना चाहिए, अगली बार कोशिश करेंगे मार्च में भी आए, बट आई पर्सनली फील जनवरी का टाइम बहुत बेटर है आने के लिए, मई के एंड में आने से एकदम मस्त है, परफेक्ट एंड, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंड, ठंड भी काफ़ी है और जैसे कि मैंने जैकेट डाल के रखा और मज़ा बहुत आया। अभी एलिफेंट सफारी ख़त्म होने के बाद हम लोग सोच रहे हैं कि बाइसाइकिल राइड करके थोड़ा रबर प्लांटेशन का भी थोड़ा घूम के आए और उसके बाद हम लोग निकल पड़ेंगे मौजिले के लिए। अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था, मैं बता नहीं सकता, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि हाथी का राइड, एलिफेंट राइड आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। और काफ़ी भीड़ था आज, बट इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से।